मिडिल ईस्ट के लिए आज रात बेहद भारी होने वाली है। खबर है कि ईरान आज रात को ही इजराइल पर हमला कर सकता है। दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी तेल अवीव, तेहरान, बेरूत के लिए उड़ानों को रद्द कर दिया है। अमेरिका ने भी अपना घातक जंगी बेड़ा भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिया है। आशंका है कि आज रात को ही जंग शुरू हो सकती है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जनरल लॉयड ऑस्टिन ने गाइडेड मिसाइल सबमरीन यूएसएस जॉर्जिया को मिडिल ईस्ट जल्द पहुंचने का आदेश दिया है। घातक 154 लैंड अटैक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस एक सबमरीन तेजी से मेडिटेरियन सी की तरफ रवाना हो गई है। इसके अलावा तीसरे करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन भी इसी तरफ जा रहा है। वहां पहले से ही यूएसएस थियोडोर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है, यानी अमेरिका ने अपनी सेना के एक बड़े हिस्से को इसराइल की मदद के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। इसराइल पर हमला करने जा रहे ईरान का साथ हिजबुल्ला, हमास, यमन के हूती विद्रोही भी देंगे, इसलिए अमेरिका इस इलाके में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। अमेरिका की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि इसराइल की मदद के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। इसराइल पर हमला करने जा रहे इसराइल के साथ कई और संगठन भी होंगे। इसके अलावा रूस भी इस हमले में ईरान के साथ खड़ा होगा। रूस की तरफ से हाल ही में ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की गई थी। माना जा रहा है कि ईरान को रूस से मिला ये एयर डिफेंस सिस्टम S-400 था। इससे पहले अमेरिका और अन्य देश मिलकर ये प्रयास कर चुके हैं कि इसराइल और हमास के बीच सीज फायर हो जाए, ताकि ईरान के हमले के समय ज्यादा मामला बिगड़े ना। लेकिन इसराइल द्वारा हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया को मारने के बाद ईरान गुस्से में है। वो बदला लेने के लिए संभवतः आज रात को ही हमला करेगा। जब से हानिया की हत्या हुई है, तब से इसराइल की तरफ कई आतंकी संगठनों के द्वारा भी हमले किए गए हैं। बीती रात भी हिजबुल्ला ने इसराइल पर लगभग 30 प्रोजेक्टाइल मिसाइलें दागी हैं, जिसकी पुष्टि IDF यानी इजरायली सेना ने की है। लेबनान के संगठन हिजबुल्ला ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने इसराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर ये हमला किया है। इसमें से अधिकतर मिसाइलें खुले मैदान में जाकर गिरी, जिसकी वजह से किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ। आपको बताएं तो इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इसराइल पर ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है। बड़ी बात यह है कि हानिया की हत्या ईरान की राजधानी तेहरान में की गई थी, जो ईरान की प्रतिष्ठा पर हमले जैसा था। इस घटना से एक दिन पहले लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के शीर्ष सैन्य कमांडर फाउद सुकर की हत्या भी कर दी गई थी, जिसका बदला हिजबुल्लाह इसराइल से लेना चाहता है।